आम पार्टी प्रकार से देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले, देश के सम्मान में ही अपना गर्व अनुभव करने वाले लाखों लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। टीवी चैनलों के माध्यम से भी देश के करोड़ों परिवारों के साथ जो आज अपने घर में होंगे उनसे भी संवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला। चुनाव की गर्माहट में एक ऐसा अवसर है जिस पर सबकी निगाहें होना बड़ा स्वाभाविक है। दो हजार 2013-14 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था, एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी। ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी। और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्हीं के कारण देश में मेरे विषय में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर इंसान है कौन। देश में तो अनेक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये क्या चीज है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, तो एक जिज्ञासा पैदा हुई। और जिज्ञासा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और मुझे देश के हर कोने में जाने की नौबत आई। तब मेरे मन में जरूर विचार आया कि मैं लोगों से क्या कहूंगा, और तब जाकर के मैंने उनसे कहा था कि आप विश्वास रखिए, आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं। और एक चौकीदार के रूप में मैं इस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूं। और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है, और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। एक चौकीदार के रूप में
मैं मेरी जिम्मेवारी निभाऊं। अम्मी जमींदार, लेकिन कुछ लोगों की मौद्रिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है और जिनकी भौतिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है, तो उनका दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, पीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है, ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। पहचान है चौकीदार नहीं, कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना। महात्मा गांधी कहा करते थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे, गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व तो मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी कहते हैं। और गांधी जी तो है, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है, लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है उसी की एक छोटी सी पहचान। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी चौकीदार है, पढ़ा लिखा है वो भी अनपढ़ है वो भी चौकीदार है, पुरुष है वो भी चौकीदार है, महिला है वो भी चौकीदार है, जो खेत में काम करता है वो भी चौकीदार है, जो डॉक्टर है वो भी चौकीदार है, जो शिक्षक है वो भी चौकीदार है, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो प्रबल बनेगी। आप मुझे बताइए, कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? नहीं। कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व को सही निभाएगा, नहीं निभाएगा, एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा, और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया। इतना भरपूर ज्ञान दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। और आज 2019 के चुनाव हर कोई मैदान में है, मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है।
देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है, देश की जनता को हुक्मरानों की जरूरत नहीं है।